तो हे गाइस, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो विकास लाइफ केयर लिमिटेड। विकास लाइफ केयर का आज आप देखोगे शेयर प्राइस जो है ₹5 के आसपास आपको देखने को मिला। जी हाँ, ₹4.90 पर इसका करंट प्राइस है और स्टॉक के अंदर अभी आपको जो है 3% के आसपास तेजी देखने को मिली है। बट सुबह आप देखोगे स्टॉक ने जो हाई लगाया था वहाँ तक अगर बात करें तेजी की, तो आप देखोगे लगभग आपको 6-7% के आसपास स्टॉक के अंदर सुबह मॉर्निंग में यानी तेजी देखने को मिली थी। तो ऐसे में आप देखोगे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि शेयर के अंदर तेजी क्यों बनी है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आप देखोगे फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, आपके बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर आप देखोगे भाई विकास लाइफ केयर आपको जो है अपने 52 वीक हाई से अभी भी आप देख सकते हो भाई 38% के आसपास बड़े फॉल पर दिखाई दे रहा है। और वहीं आप देखोगे एक साल में स्टॉक ने जो रिटर्न निकाल के दिए हैं 46% के, जी हाँ 46% के अच्छे रिटर्न निकाल कर दिए हैं। और पीछे आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ें निकल कर आई थी, Q2 के जो नंबर आए वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आए हैं। लेकिन स्टॉक के अंदर जो तेजी बननी चाहिए थी वो तेजी नहीं बन रही है। यहाँ से अंदाजा लगाया जा रहा था कि स्टॉक जो हमें आने वाले टाइम में 6-7 रुपये के आसपास जाती हुई नजर आएगा Q2 के बाद में, क्योंकि Q2 नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार आए हैं प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करके देखें। लेकिन वो बात नहीं रही स्टॉक के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 705 करोड़ का हमें जो है इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो NSE और BSE के अंदर जो वॉल्यूम लगी है आज के दिन आप देखोगे भाई 1,32,00,000 के आसपास अच्छी वॉल्यूम लग रही है। बट स्टॉक के अंदर जो तेजी बनी थी ना उसके पीछे का रीज़न क्या है, QIP। जी हाँ, QIP इसके पीछे का बड़ा रीज़न है। कंपनी आप देखोगे भी फंड रेज करने जा रही है 50 करोड़ का। जी हाँ, 50 करोड़ का आपको जो है ना ये कंपनी फंड रेज करती है नज़र आएगी, क्योंकि पीछे भी आपने देखा होगा कंपनी जो है ना QIP के जरिए लगभग 50 करोड़ के आसपास जो ना फंड रेज किया था। तो यहाँ से अपने जो शेयर है वो दाव पर लगा रही है, अच्छा फंड रेज कर रही है, क्योंकि कंपनी को अपने आप को जो ना ग्रो करना है, ठीक है, इसको फंड चाहिए। आप जो कंपनी जो राइट इशू भी लेकर आ सकती है इन फ्यूचर में। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर तेजी बनना लाजमी, मैंने आपको पहले ही बोला था जब ये शेयर 4-5 रुपये के आस 4.5 रुपये के आसपास था तभी मैंने आपको बोला एज ए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड कीजिए, हर गिरावट में स्टॉक को आपको जो है परचेज करना है। आप देखोगे इसका जो एक्चुअल में शेयर प्राइस ना वो 5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो 5 रुपये से स्टॉक जितना डाउन जाए तो वहाँ से उठाना सबसे बेस्ट रहेगा और स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी बनेगी। तो चलिए पहले हम जो है वो QIP वाली जो अपडेट आई है उसके ऊपर हम डिटेल में देख लेते हैं आखिरकार क्या ही है और क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे 24 नवंबर को, जी हाँ 24 नवंबर को हमें जो ना ये अपडेट आती हुई नज़र आई है कंपनी QIP के जरिए। यहाँ पर आप देख सकते हो भी QIP में जो इसके शेयर हैं वो 10,75,26,881 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 1 रुपये। जी हाँ, आप देखोगे QIP के जरिए जो कंपनी है वो फंड रेज करने जा रही है। जो ये शेयर है आप देखोगे इनकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, 10,75,00,000 के आसपास आपको शेयर देखने को मिल रही हैं। तो कंपनी जो ये शेयर इशू करने जा रही है यहाँ पर आप देखोगे भाई अप्रूव्ड, इनको जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। यहाँ पर आप देखोगे 4.65 रुपये, जी हाँ 4.65 रुपये पर इक्विटी शेयर से कंपनी जो है ना, और जिनका प्रीमियम आप देखोगे 3.65 रुपये है। आप देखोगे लगभग जो इसका प्राइस है ना वहाँ से स्टॉक को आपको जो ना 23%, जी हाँ सॉरी 23 पैसे पर इक्विटी शेयर यानी 4.71% के आसपास जो शेयर है वो आपको डिस्काउंट पर दे रही है कंपनी। यहाँ पर किसको दे रही है, सभी को नहीं मिल रहा है, ये तीन है, तीनों आप देखोगे इनके बारे में आपको जो डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे जिनको कंपनी दे रही है, जिन कंपनियों को ये शेयर मिलेंगे, यहाँ पर आप देखोगे भाई ये जो तीन है इनको जो ना ये शेयर दिए जा रहे हैं, कितनी रेंज में दिए जा रहे हैं, किस प्राइस में दिए जा रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। और इनका जो रेशियो है यहाँ पर आप देखोगे भाई जो टोटल 34.55%, 33.45%, 32.00%, ये परसेंटेज है 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स का, जी हाँ जो ये कंपनी QIP के जरिए देने जा रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये तीन कंपनी है, तो यहाँ पर आप देखोगे 3,71,00,000 के आसपास है, 3,59,00,000 के आसपास है, 3,44,00,000 के आसपास जो ये शेयर है ये कंपनी देने जा रही है। तो यहाँ से कंपनी का काफ़ी अच्छा डाटा सामने निकल कर रहा है। पहले भी आपने देखा होगा QIP के जरिए कंपनी ने फंड रेज किया 49 करोड़ के आसपास, अब की बार भी आप देखोगे 50 करोड़ के आसपास फंड रेज करने जा रही है। तो इनका पॉजिटिव इफेक्ट हमें जो ना आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। एज ए लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक बेस्ट है, आप इसको एज ए लॉन्ग टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, काफ़ी शानदार स्टॉक आपको रिटर्न निकाल कर देने वाला। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।